गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और रात हम लोग इधर रुक गए थे भाई लोगों के घर, हमने रात में जैसा आपको दिखाया अभी टेंट लगाए हुए थे, अभी हमने सारा कुछ डिसमेंटल कर दिया, सारा कुछ पैक हो गया है हमारा। तो ये आप देख सकते हैं, इधर सारे हमारे बैग पैक हो चुके हैं, इधर ही हमने टेंट लगा लिया था रात। तो अभी हमारे जाने का टाइम हो चुका है, अभी हम मणिपुर निकलेंगे। रात बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, अभी मौसम ठीक हो चुका है, अभी इसीलिए हाफ ही पहना है। तो अभी 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो मेन रोड है, और मेन रोड के बाद सीधा मणिपुर जाएंगे हम। ऑलमोस्ट इधर से मे बी 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर होगा इधर से ऑलमोस्ट। और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, और 8:30 बजे तक हम निकल जाएंगे। थोड़ा इधर बैठेंगे, इधर खाना बन रहा है, खाना खाकर फिर निकल जाएंगे हम, और फिर मिलते हैं आपको, दिखाते हैं नज़ारे मणिपुर के। आज मणिपुर की जर्नी हमारी शुरू हो जाएगी फाइनली। नागालैंड का सफ़र था जो हमारा, आज इधर ही तक था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, खूबसूरत, मज़ेदार रहा। हम लोगों ने पूरा मज़े किया, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत निकला नागालैंड। तो चलिए आपको आगे मिले, चलिए ये भाई साहब थे जिनके हम घर पे रुके थे। भाई साहब धन्यवाद सो मच आपका, थैंक यू। मुझे यहाँ पर आकर ना दूसरा परिवार मिल गया अपना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अभी हमारा जाने का टाइम आ चुका है, और हेलो बाय बाय बोल दो, बाय 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 बाय। तो चलो अभी निकलते हैं मणिपुर की तरफ, तो मणिपुर का सफर शुरू करते हैं, आपको फिर मिलते हैं। तो चलते हैं, बाय बाय बोल दो, बाय बाय। चलो बच्चों, चलो चलते हैं, चलो जी फिर मिलेंगे दोबारा, हम फिर आएंगे। चलो तो अभी अपना सफर शुरू हो चुका है, निकल चुके हैं, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, और हमारे साथ ये छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं। ये स्कूल जाने का टाइम हो गया इनका, और ये बोले कि हम आपके साथ ही जाएंगे, नीचे बातें करते जाएंगे। आप हमारे साथ जा रहे हो, बातें करते जाओगे है, आपका टाइम जल्दी नहीं बीत जाएगा ना। कितने बजे लगेगा स्कूल आपका? 9 बजे। कितना टाइम रह गया अभी? अभी आधा घंटा बच गया। आधा घंटा बच गया, और हम जा रहे हैं, हमारा फाइनली मणिपुर का सफर शुरू होने वाला है, जर्नी आज शुरू होने वाली है। हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला इन बच्चों के घर से, इनके पिताजी ने माताजी ने बहुत ही ज़्यादा हमें प्यार दिया, हमें अपने घर पे रखा, महसूस नहीं होने दिया कि हम घर से बाहर है। और चलो आगे मिलते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है फाइनली, अभी मणिपुर का सफर शुरू करते हैं। गाइस फाइनली हमारा सफर शुरू हो चुका है मणिपुर का, और इधर से हम जगह ढूंढ लिया हमने, इधर से हम हिचहाइकिंग शुरू करेंगे अपनी, देखते हैं ट्राई करते हैं क्या बनता है, कितने टाइम में लिफ्ट मिलती है, तब तक देखिए आप मजे लीजिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ लिफ्ट लेने की, अभी कोई आएगा व्हीकल तो ट्राई करते हैं। गाड़ी आई 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 गाड़ी आई गाड़ी आई गाड़ी आई गाड़ी के अंदर तो पहले भी प्लान कैंसिल। मुझे लग रहा है यही से टर्न ले लेगा हमारे लिए, ये हमारे लिए आएगा इधर टर्न लेकर। अच्छा इतने अच्छे तो किस्मत। क्या हुआ? ओ पाउडर। तो गाइस अभी हम हिचहाइकिंग वाली जगह पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमें मणिपुर की गाड़ी मिलेगी, और नागालैंड को बोलते हैं अभी बाय बाय। और पैसे नहीं है भाई हमारे पास। अरे क्या बात है भाई, लिफ्ट मिल गई यार।
तो फाइनली डायरेक्ट इम्फाल के लिए लिफ्ट मिल चुकी है, मतलब एक गाड़ी से सीधा हम इम्फाल पहुंच जाएंगे मणिपुर। तो जनाब चलते हैं अभी। ऐसे पकड़ना ऐसे। एक मिनट एक मिनट। तो भाई क्या नाम है आपका? थैंक यू भाई ने हमें लिफ्ट दे दिया भाई, थैंक यू सो मच। इम्फाल जाओगे भाई सीधा? अरे क्या बात है, सीधी लिफ्ट मिल गई भाई। तो भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा सांभर। तो आप गाड़ी, ये गाड़ी में क्या लेकर जाते हो आप? अच्छा तेल तेल। ओके ओके, ये खाली उधर इम्फाल खाली करोगे जाकर, फिर उधर से भरकर आते हो या उधर से खाली आता है? खाली आता है आसाम से भरते हो इधर? अच्छा गाइज़, फाइनली हम पहुँच एंटर हो चुके हैं मणिपुर के अंदर, फाइनली एंटर हो चुके हैं। अभी ट्रक वाले भाई साहब ने रोकी है गाड़ी इधर कि हम चाय पानी पियेंगे थोड़ा सा और फ्रेश हो जाएंगे। ऑलमोस्ट रह गया 80 किलोमीटर, 80 to 50 किलोमीटर रह गया, इतना सा रह गया। तो देखते हैं, और धुंध बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, धुंध बारिश पड़ रही थी, अभी बारिश भी रुक गई है। तो अभी चाय पानी पी कर फिर निकलेंगे, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो चलिए भाई लोग, हमारा सफर हो गया पूरा और हम पहुंच गए फाइनली मणिपुर इम्फाल। और भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इधर तक छोड़ा और भाई ने हमें चाय भी पिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम फाइनली जाते हैं, थोड़ा सा 6 किलोमीटर रह गया, वो हम बाय वॉक या देखते हैं क्या होगा। तो चलिए आगे मिलते हैं आपको। तो भाई साहब फाइनली अभी रोड पे आ चुके हैं दोबारा, भाई ने हमें उतार दिया था इधर, उसको अंदर अपना जो ट्रक है उधर स्टॉप करना था। तो अभी 6 किलोमीटर रह गया है, गुरुद्वारा देखा है हमने इधर, गुरुघर जाएंगे, उधर आज स्टे करेंगे, कल की स्टे करेंगे। और देखते हैं अभी ये अपना लेफ्ट वाला सिलसिला इधर से हम शुरू करेंगे। और फाइनली ये हाईवे है जो सीधा ही कोहिमा से आया है, तो अभी ट्राई करते हैं। ले भाई, एक हमको भाई मिल गए, ये भी ट्रैवलर है अपने जैसे, ये भाई पहले गुड़गांव में जॉब करते थे, अभी सडनली हमें मिल गए। भाई ने हमारे साथ बहुत सारी बातें की, बहुत स्टोरी शेयर की, और भाई से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई अभी हमें ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे घर आओ और उधर रहो आज की रात। तो देखते हैं आज का सफ़र साइकिल पे ही चेकिंग करके, साइकिल पे ही चेकिंग करेंगे। हाँ,
तो बहुत अभी शुरुआत ही हुई है एंट्री मणिपुर की, और भाई देखो इतने अच्छे लोग मिल गए, चलो चलते हैं फिर मिल। ले भाई अभी साइकिल वाले भैया मिले हैं ये, तो भाई हमें ऑफर कर रहे हैं, भाई बोले हमारे घर चलो, हमारे साथ 1.5 किलोमीटर है। तो बहुत ज़्यादा भाई फोर्स कर रहे थे कि यार आप तो उधर के हो, आप ट्रैवलर हो, मैं भी ट्रैवल करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे साथ घर चलो यार। इतने मतलब अभी तो स्टार्टिंग हुई, अभी तो एंट्री भी नहीं हुई, तो देख लो यार, चलो देखते हैं क्या बनता है, जाकर भाई के साथ कैसा रहेगा, फिर मिलाते हैं आपको, स्टोरी शेयर करते हैं भाई की, शाम को बैठेंगे भाई के साथ, स्टोरी शेयर करेंगे आपके साथ। चलो मिलते हैं, एक बार घर पहुँच जाएँ फिर देखते हैं। सो फाइनली दोस्तों भाई के हम घर पहुँच चुके हैं, इधर ये भाई का सारा घर है। तो भाई ने ये हमें एक पर्सनल रूम दे दिया है, जहाँ पर हमने ये अपने कपड़े रख दिए हैं, अभी कपड़े हमारे धोने वाले भी हैं और हम थोड़ी देर में कपड़े भी धोएंगे। भाई बोला कि रिलैक्स होके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर समझो इसको। तो यार देख लो कहाँ डेस्टिनी कहाँ से कहाँ ले आती है। वही बात है ये कि अगर हम खुद अच्छे हैं तो हमको लोग भी अच्छे मिलते हैं, और भाई आगे हमको चाय लेकर, अरे अरे भाई इतना देखो, इतना प्यार दिखा रहे हैं भाई। और एक बात और, मणिपुर में है ना, मतलब इतनी प्योर हिंदी बोलने वाला बंदा हमें मिला कि जो मतलब प्रॉपर अपने फीलिंग की जैसे बोलता है, और भाई प्रॉपर राइडर है, भाई घूम चुका है पहले, ट्रैवल किया है, भाई की स्टोरीज हम शेयर करेंगे। चलिए इतने हम चाय पी लें फिर मिलते हैं आपको। लो भाई सो फाइनली कपड़े भी हमारे धोए गए, इधर वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, कपड़े धो दिए हैं अंदर, तो अभी आराम से कपड़े निकालेंगे, निचोड़ देंगे, और इधर स्पेस है इधर हम डाल देंगे और सूख जाएंगे, सुबह तक कपड़े सूख जाएंगे आराम से। आज तो मौसम भी पूरा साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर 2 हफ्ते ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखो जैसे हमारे पहले पंजाब के गांव में होता है ना, वैसे पानी निकलता, देखो क्या बात है। चलो कपड़े कपड़े धो लें, ये तो अच्छा है, ठीक है। हाँ अभी सो फाइनली गाइस अभी डिनर का टाइम हो गया है, भाई ने डिनर बनाया है, तो देखते हैं क्या बना है भाई। चिकन है, दाल है, हाँ राइस है, चिकन दाल राइस एंड अचार का तो वैरायटी इतना तुम अच्छा तुम खुद ने तुम्हारे सामने कितना बोतल। अरे 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 ये देखो यार, अचार ही अचार रखे हुए हैं, वैरायटी है। और ये छोटे भैया हैं भाई के, से भाई हेलो हेलो। तो अभी खाना खाते हैं और मजा लेते हैं, और यार इतनी दूर आकर बैठे हैं देखो, पर हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा, पूरी घर जैसी फील दे रखी है भाई लोगों ने, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो आ गया है दाल, ये इधर में चिकन आ गया, ये रोम्बा है, रोम्बा बोलते हैं इसे, ये मणिपुर का लोकल डिश है, ऐसा बोलते हैं लोकल जो अपना है ना। हाँ हाँ वो है, ओके 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 सही है। और ये अचार ही अचार रखे हुए, अचारों की वैरायटी देखो यार, अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग किस्म के अचार है ये, कोई बम्बू का है, अच्छा अनार का टाइप में जो खट्टा वाला होता है, हाँ हाँ होता है, अच्छा उसका है वो, खीरा का है, सही है, बम्बू वाला इसमें मिक्स है। तो गाइस फाइनली हमारा डिनर हो चुका है, भाई लोगों ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया था, और हमें लोकल फूड भी हमने ट्राई किया, जैसा मैंने दिखाया था बैम्बू की वो जो रेसिपी थी, वो डिश थी, वो भी हमने ट्राई की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो आज का ब्लॉग इधर ही हम समाप्त करते हैं, और हम अभी सो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, फिर सुबह मिलते हैं, सुबह की जर्नी शुरू करते हैं, सुबह हमने एक्सप्लोर करना है मणिपुर, जो इधर मेन प्लेसेस है वो देखनी है, तो सुबह मिलते हैं आपको। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, बाकी लव यू ऑल।